गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अध्याय 5 प्रारंभ करेंगे। लेसन नंबर 5, खनिज एवं सेल। खनिज एवं सेल हमारा टॉपिक आज खनिज एवं सेल। सर्वप्रथम खनिजों के विषय में अध्ययन करेंगे, फिर हम सेलों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि जो हमारी भूपरपट्टी है, धरातल है, उसका जो ऊपरी भाग है, ठीक है, जो पृथ्वी है उसका जो ऊपरी भाग है, भूपरपट्टी की हम चर्चा करते हैं। भूपरपट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? भूपरपट्टी विभिन्न तत्वों से मिलकर बनी है, ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार के यहाँ पे तत्व पाए जाते हैं। हमारे धरातल की हम बात करते हैं, यहाँ पर विशेष अध्ययनों से हमें पता लगा है कि भूपरपट्टी विभिन्न तत्वों से मिलकर बनी है। उसमें जो महत्वपूर्ण तत्व है, महत्वपूर्ण तत्व बताए हैं लगभग 8 तत्व, जिससे पृथ्वी का लगभग 98% भाग, पृथ्वी की जो भूपरपट्टी है उसका लगभग 98% भाग, 98% 98% भाग 8 तत्वों से मिलकर बना है। वो 8 तत्व कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन है, सिलिका है, एल्यूमिनियम है, फेरियम यानी लोहा है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है और मैग्नीशियम है। तो ये 8 तत्व हैं जिनसे भूपरपट्टी का लगभग 98% भाग मिलकर बना है। भूपरपट्टी जो धरातल की सबसे ऊपरी परत है, जो हम कहेंगे पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है ना, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है उसे क्या कहते हैं ना, भूपरपट्टी या क्रस्ट कहते हैं। और क्रस्ट विभिन्न तत्वों से मिलकर बनी है, और इन तत्वों में कौन कौन से जो प्रमुख है उनकी हम चर्चा करते हैं कि भूपरपट्टी कुल मिलाकर जो भूपरपट्टी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें ऑक्सीजन, सिलिका, सबसे ज्यादा जो बात करेंगे ऑक्सीजन सबसे अधिक लगभग 45%, ठीक है, 46% ऑक्सीजन पाई जाती है ना। उसके बाद है सिलिका, फिर एल्यूमिनियम, फेरियम। हम इनके नाम लर्न करेंगे, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, फेरियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। इसके अलावा जो शेष भाग है 98% पर, तो ये 8 तत्व आ गए। और भी यहाँ पे तत्व पाए जाते हैं भूपरपट्टी के, उन तत्वों में हम मुख्य और जो तत्व हैं उनकी चर्चा करें। टाइटेनियम है, हाइड्रोजन है, फास्फोरस, मैग्नीस, सल्फर, कार्बन, निकल। टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीस, सल्फर, कार्बन, निकल, ठीक है। तो ये तत्व है, इन सबसे मिलकर क्या बनी है, हमारी भूपरपट्टी बनी है। धरातल की हम जो चर्चा कर रहे हैं, जो ऊपरी भाग है भूपरपट्टी, वो किससे मिलकर बनी है, इन तत्वों से मिलकर बनी है। तो मुख्यतः तो ये तत्व क्या होते हैं ना, एक दूसरे में मिक्स होकर, यानी कि हमेशा ये तत्व अकेले या हम कहेंगे एक संग्रह में नहीं पाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन, सिलिका अलग से ही है, एल्यूमिनियम अलग से ही है ना। ज्यादातर तत्व, अधिकांश तत्व एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं, यानी कि जुड़े हुए रहते हैं। और इस प्रकार जब दो तत्व मिले हुए रहते हैं, इन्हें हम खनिज की संज्ञा भी दे देते हैं। लेकिन कुछ तत्व ऐसे भी पाए जाते हैं जो सिंगल रूप में ही रहते हैं, जैसे कि हम बात करें चांदी की, हम बात करें, ठीक है, जो क्या है तांबे की हम बात करें, ये क्या है सिंगल एक तत्व रूप में भी पाए जाते हैं। और बहुत से जो ज्यादातर तत्व हैं वो किस रूप में पाए जाते हैं, अधिकतर जो तत्व है वो किस रूप में पाए जाते हैं, अधिकतर हम तत्वों की चर्चा करें वो एक दूसरे से जुड़े हुए पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं खनिज की। खनिज की परिभाषा हम किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, खनिज किसे कहते हैं, ठीक है, खनिज किसे हम कह सकते हैं। खनिज की हम चर्चा करते हैं कि प्राकृतिक, कार्बनिक, अकार्बनिक तत्व, ऐसे तत्वों की हम चर्चा करते हैं जो कैसे हैं, प्राकृतिक यानी कि प्रकृति ने अपने आप दिए, हमारा कोई रोल नहीं है उसमें। कार्बनिक, अकार्बनिक तत्व जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणविक संरचना, उनकी परमाणु संरचना क्रमबद्ध होती है, और निश्चित रासायनिक संगठन होते हैं और भौतिक गुणधर्म होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। देखो खनिज की परिभाषा तो हमें याद करनी पड़ेगी, ऐसे कैसे कि खनिज किसे कहते हैं, तो खनिज किसे कहते हैं, प्राकृतिक, कार्बनिक, अकार्बनिक तत्व, ठीक है, जो भूपरपट्टी के पाए जाते हैं, भूपरपट्टी के प्राकृतिक, कार्बनिक, अकार्बनिक तत्व जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणविक संरचना, एक क्रमबद्ध परमाणविक, उनमें जो परमाणविक संरचना की हम चर्चा करते हैं, एक क्रमबद्ध परमाणविक संरचना होती है, निश्चित रासायनिक संगठन होता है उनका, और भौतिक गुणधर्म होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं खनिज। क्या कहते हैं, खनिज के प्राकृतिक, कार्बनिक, अकार्बनिक तत्व, प्राकृतिक, कार्बनिक, अकार्बनिक तत्व जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणविक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन तथा भौतिक गुणधर्म होते हैं, उसे क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। इस प्रकार से हमने खनिजों की परिभाषा ली, और अधिकांश जो खनिज है, यह हम बात करेंगे, जो खनिज है विभिन्न तत्वों, दो तत्वों से मिलकर बने होते हैं। खनिज क्या होते हैं, दो तत्वों से मिलकर बने होते हैं। धरातल पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, हमें संख्या बताई गई है, 2000 प्रकार के
खनिज पाए जाते हैं, लेकिन हम इन सारों का या इन सभी की हम चर्चा करते हैं कि 2000 के बारे में या ज्यादा उपयोग में लेने योग्य हमारी सारे खनिज नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि खनिजों का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या होता है, वो होता है मैग्मा। जो एस्थोनोस्फीयर का जो मैग्मा होता है उसकी हम चर्चा करते हैं। हमें परिभाषा पता लग गई, हमें पता लग गया भूपरपट्टी लगभग 98% भाग 8 तत्व ऑक्सीजन सिलिका एल्यूमिनियम फेरियम कैल्शियम सोडियम पोटेशियम और मैग्नीशियम मिलकर बना है। और इसकी परिभाषा की हमने बात कर ली कि भूपरपट्टी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक कार्बनिक अकार्बनिक तत्व जिसमें प्राकृतिक कार्बनिक अकार्बनिक तत्व जिसमें एक क्रमबद्ध प्रमाणिक संरचना निश्चित रासायनिक संगठन और भौतिक गुणधर्म होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। और खनिज दो तत्वों से मिलकर बनते हैं। और हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि मैग्मा खनिजों का मूल स्रोत होता है। मैग्मा खनिजों का मूल स्रोत होता है, यानी खनिज कहाँ से आते हैं। खनिज की हम चर्चा करते हैं, ये हमारा धरातल है। ठीक है, ये धरातल है, यहाँ पे हम बात करेंगे मैग्मा है। और ये मैग्मा क्या होता है, जब ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा जब ये मैग्मा बाहर आता है, मैग्मा जब बाहर आता है दुर्बलता मंडल में, मैग्मा जब ये बाहर आता है, बाहर आकर क्या होता है सॉलिडिफिकेशन, यानी कि क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है या ठंडा हो जाता है। कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन, यानी कि ठंडा होता है ठोस होता है। और इस प्रकार जब ये मैग्मा बाहर आकर यहाँ पे जम जाता है तो किस रूप में जमता है, चट्टानों के रूप में जम जाता है। इनमें क्या पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो खनिजों का मूल स्रोत क्या माना जाता है, मैग्मा माना जाता है, धरातल के अंदर स्थित जो मैग्मा है। अब यहाँ पे हम कुछ खनिजों की और उनके विशेषताओं की चर्चा करेंगे। प्रमुखतया जो खनिज हैं जो हमें बुक में दिए हुए हैं उन खनिजों के, उनमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, इनकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करें फेल्डस्पार की। फेल्डस्पार जो खनिज है इसमें सिलिका और ऑक्सीजन सभी प्रकार के, जो फेल्डस्पार है अनेक प्रकार के फेल्डस्पार पाए जाते हैं, उनमें सिलिका और ऑक्सीजन की तो क्या रहती है, सब में तत्व पाए जाते हैं। फेल्डस्पार में सिलिका और ऑक्सीजन तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा ठीक है सोडियम पोटेशियम कैल्शियम एल्यूमिनियम और भी तत्व फेल्डस्पार में पाए जाते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर क्या बनते हैं ना, खनिज बनते हैं। और जो सभी प्रकार के फेल्डस्पार है उसमें सिलिका और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। सभी प्रकार के फेल्डस्पार में क्या पाए जाते हैं, सिलिका और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। और परपट्टी का आधा भाग, बात करें हम परपट्टी का, जो भूपरपट्टी का जो आधा भाग है, हमारी जो भूपरपट्टी है पृथ्वी की, उसका आधा भाग फेल्डस्पार से बना है। यानी सबसे अधिक जो पाए जाते हैं फेल्डस्पार पाए जाते हैं। जो कांच बनाने में, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में फेल्डस्पार का उपयोग किया जाता है। फेल्डस्पार का मुख्य उपयोग किसमें किया जाता है, कांच का निर्माण करने में, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में फेल्डस्पार का उपयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं क्वार्टज की। क्वार्टज रेत और ग्रेनाइट का घटक है। रेत जहाँ पे हम बात करते हैं, यानी कि सिलिका इसमें पाई जाती है, बहुतायत में क्वार्टज में क्या पाई जाती है, सिलिका पाई जाती है। और ये कठोर होते हैं, सिलिकन इसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है, सिलिकन पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं ना, कठोर होते हैं, क्वार्टज कठोर होते हैं। और जो कठोर होगा वो पानी में घुलता नहीं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अघुलनशील होते हैं। क्वार्टज कैसे होते हैं, अघुलनशील होते हैं। और रेडियो रडार बनाने में इसका क्वार्टज का उपयोग किया जाता है, रेडियो रडार बनाने में क्वार्टज का उपयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं पाइरोक्सिन की। ठीक है, पाइरोक्सिन क्या होता है, कैल्शियम, पाइरोक्सिन की हम बात करते हैं, पाइरोक्सिन कैल्शियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम फेरस और सिलिका। ठीक है, पाइरोक्सिन में जो पाइरोक्सिन खनिज है, पाइरोक्सिन खनिज में कैल्शियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम फेरियम और सिलिका प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। और भूपृष्ठ का लगभग 10% भाग, भूपृष्ठ का लगभग 10% भाग किसका बना हुआ है, पाइरोक्सिन का बना हुआ है। भूपृष्ठ का लगभग कितना, 10% भाग किसका बना हुआ है, पाइरोक्सिन का बना हुआ है। कैल्शियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम फेरियम और सिलिका, इन तत्वों की हम चर्चा करते हैं। ये तत्व, ठीक है, ये तत्व से मिलकर पाइरोक्सिन बना है। और भूपृष्ठ का, हमारी जो भूपृष्ठ है उस पर लगभग 10% भाग भूपृष्ठ का किससे बना हुआ है, पाइरोक्सिन से बना हुआ है। और लगभग आधा भाग किसका है, फेल्डस्पार का है। फिर बात करते हैं एम्फीबोल की। एम्फीबोल के एल्यूमिनियम कैल्शियम, एल्यूमिनियम कैल्शियम सिलिका फेरियम और मैग्नीशियम, फेरियम से मतलब लोहा से लेंगे, है ना, एल्यूमिनियम कैल्शियम सिलिका फेरियम और मैग्नीशियम, इन तत्वों से मिलकर एम्फीबोल बना है। एम्फीबोल खनिज में ये तत्व पाए जाते हैं। भूपृष्ठ का लगभग 7%, भूपृष्ठ का लगभग कितना, 7% भूपृष्ठ का लगभग 7% किससे बना है, भूपृष्ठ का लगभग 7% बना है एम्फीबोल से, किससे बना है, एम्फीबोल से। और एस्बेस्टोस उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। एम्फीबोल का प्रमुख उपयोग किसमें किया जाता है, एस्बेस्टोस उद्योग में। फिर चर्चा करते हैं माइका की। माइका जिसमें पोटेशियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम फेरियम और सिलिका, पोटेशियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम
फेरियम और सिलिका, इन तत्वों से मिलकर क्या बना है, माइका बना है। इन तत्वों से मिलकर क्या बना है, माइका जो खनिज है वो बना है। और माइका खनिज भूपृष्ठ का लगभग 4% भाग, भूपृष्ठ का लगभग कितना 4% भाग माइका खनिज से बना है। और विद्युत उपकरण बनाने में, इसमें विद्युत उपकरण बनाने में, विद्युत उपकरण बनाने में माइका का उपयोग किया जाता है। माइका का उपयोग किसमें किया जाता है, विद्युत उपकरण बनाने में माइका का उपयोग किया जाता है। अब ओलिविन क्या होता है, ओलिविन, ओलिविन खनिज में आभूषण जब बनाए जाते हैं, गहने जो बनाए जाते हैं उसमें ओलिविन का उपयोग किया जाता है। ओलिविन खनिज का उपयोग किया जाता है, इसमें मैग्नीशियम लोहा और सिलिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम लोहा और सिलिका इसमें पाया जाता है, मैग्नीशियम लोहा और सिलिका पाया जाता है किसमें, ओलिविन में। ठीक है, इस प्रकार से हमने कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की चर्चा की। इसके अलावा और भी धरातल पर खनिज पाए जाते हैं, और सबसे अधिक जो भूपर्पटी का भाग घिरा हुआ किसने है, फेल्सपर्न ने, लगभग भूपर्पटी का आधा भाग। फिर हम पायरोक्सेन की बात करते हैं, लगभग इतना 10% भाग। ठीक है, इस प्रकार से हमने प्रमुख खनिजों की बात कर दी। माइका का मुख्य उपयोग क्या है, विद्युत उपकरण बनाने में। ठीक है, और ओलिविन का उपयोग क्या है, आभूषणों में इसका उपयोग किया जाता है। और एम्फीबोल एस्बेस्टस उद्योग में काम आता है। और क्वार्टज रेडियो में उपयोग किया जाता है, रेडियो में क्या कहता है, क्वार्टज का, रेडियो रडार में क्वार्टज का उपयोग किया जाता है। और फेल्सपर का मुख्य कार्य कांच बनाने में या चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में किया जाता है। इस प्रकार से हमने खनिज की परिभाषा और कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की चर्चा की, उनकी विशेषताओं की हमने बात कर ली। हमारी जो भूपर्पटी का लगभग कितना 98% भाग 8 तत्वों से मिलकर बना है, वो कौन कौन से थे, कौन कौन से थे, ऑक्सीजन, सिलिकन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, और इसके अलावा अन्य तत्व भी पाए जाते हैं।